नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से कल अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक साझा रैली की थी, इसके बाद से उनकी जो तस्वीरें हैं लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग इस तस्वीर को लेकर के खासा ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस तस्वीर में साफ साफ देखा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे शान से हाथ हिलाते हुए रैली को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जनसभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर उसी के साथ ही देखें तो आप पंजाब के सीएम भगवंत मान को देखेंगे कि कैसे वो दरवाजे पर लटके हुए हैं और जो एक सीएम का रुतबा होता है, सीएम का प्रोटोकॉल होता है, उस मामले में भगवंत मान जो है वो जीरो नजर आते हैं। और जिस तरीके से सीएम का ये जो तस्वीर सामने आया है कि कैसे वो दरवाजे पर लटके हुए हैं, इतनी जनसभा है, वहां पर भीड़ है, इसके बाद से ही ये तस्वीर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा समेत कुमार विश्वास, जो कि आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं, पुराने साथी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस तस्वीर को लेकर के आम आदमी पार्टी और भगवंत मान को जमकर ट्रोल किया और ये कहा कि सीएम अकेला नहीं बल्कि पूरे राज्य का होता है, पूरे प्रदेश का होता है और यहाँ पर तो सीएम का साफ साफ अपमान किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को एक बॉडीगार्ड का रुतबा दिया हुआ है। आपको बता दें, इसी के साथ ही तमाम ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने ये तक कह दिया कि ये रिमोट कंट्रोल की सरकार है, क्योंकि डिसीजन तो अरविंद केजरीवाल लेते हैं, इस वजह से अरविंद केजरीवाल ने उन्हें वहाँ पर उन्हें बॉडीगार्ड बना रखा है और उन्हें गेट पे लटका रखा है। इसी के साथ ही कई लोगों ने तो मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का कंपैरिजन भी भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की सरकार से कर दी है। जिस तरीके से ये कहा जाता था कि कहने को तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, लेकिन उसके पीछे जो भी डिसीजंस होते थे वो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी लिया करती थी, ठीक इसी तरीके से आज के वक्त में ये कहा जा रहा है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि कहने को भगवंत मान पंजाब के सीएम है, लेकिन जो भी डिसीजंस होते हैं वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिए जाते हैं। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में अरविंद केजरीवाल जहां गाड़ी के अंदर खड़े और लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, तो वहीं भगवंत मान गाड़ी के गेट पर लटके हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। बता दें, वहीं बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस फोटो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को टैग करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सीएम को चपरासी बनाकर रख दिया है। भगवंत मान जी, कम से कम अपनी नहीं तो अपने पद का तो सम्मान करो। वहीं एक अन्य ट्वीट में बीजेपी नेता बग्गा लिखते हैं कि भगवंत मान जी पूरे राज्य के सीएम हैं, उनकी और बेइज्जती नहीं देख सकते, सुधार करने की कृपया कोशिश करें। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास ने भी वीडियो शेयर करते हुए केजरीवाल पर और भगवंत मान पर निशाना साधा और ट्वीट कर लिखा, प्रिय अनुज भगवंत मान, झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर सर इतना मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। उधर इस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भगवंत मान और केजरीवाल पर तंज कस रहे हैं और खूब ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, एक यूजर लिखते हैं, केजरीवाल ने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री की एक बॉडीगार्ड से भी गई गुजरी बना दी है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर तस्वीर पर लिखते हैं कि एक खड़ा हुआ नेता और एक झूलता हुआ नेता। इसी के साथ ही एक अन्य ट्विटर यूजर लिखते हैं, मनमोहन सिंह 2.0, यानी कि इन्होंने तुलना कर दी है पीएम मनमोहन सिंह और इसी के साथ ही सोनिया गांधी का, क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो सोनिया गांधी लेती हैं, तो असल में देश का जो प्रधानमंत्री है वो सोनिया गांधी है, नाम के लिए मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया है। इसी के साथ ही एक और यूजर ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए लिखा, शाबाश पंजाब, सिखों के लिए क्या गर्व की बात है,
केजरीवाल ने एक राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की औकात एक बॉडीगार्ड से भी गई गुजरी बना दी। शर्म करो सरदार। आपको बता दें, इन्होंने पूरे पंजाब के लिए कहा कि ये पंजाब के लिए और एक सरदार के लिए शर्म की बात है कि उनका प्रधानमंत्री इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की रैली में उनके गाड़ी के गेट पर झूलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के जवाब में एक यूजर लिखते हैं, मुफ्त खोर की सीढ़ी लगाकर मक्कारी और गद्दारी एक दूसरे का हाथ पकड़ सियासत के कपड़े उतार रही है। आपको बता दें, उन्होंने एक कविता के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पर तंज करने की कोशिश की है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर ने दोनों पर निशाना साधते हुए लिखा, ये दूसरा मनमोहन है जिसका रिमोट केजरीवाल के हाथ में है। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर लिखते हैं, भगवंत मान को भी केजरीवाल ने गार्ड बनाकर रख लिया है, सीएम होकर बाहर लटक रहा है। वहीं एक अन्य यूजर ये लिखते हैं कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री का अपमान है और एक संयोजक के रूप में भी केजरीवाल ने अपने पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान का अपमान कर उसके प्रदेश में किया है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को संगरूर में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उपस्थित रहे। ये रोड शो आप प्रत्याशी गुरमेल सिंह के समर्थन में किया गया। धोरी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा सीट खाली कर दी थी, जिसके बाद ये जो है ये रैली की गई और वहां से ये तस्वीर आई सामने, जिसके बाद सोशल मीडिया में इस तस्वीर को लेकर के खासा ट्रोल किया जा रहा है और ये तस्वीर खूब वायरल हो रही है। तमाम यूजर से लेकर के बड़े नेताओं ने भी इस तस्वीर पर तंज कसा और भगवंत मान को सलाह दे डाली। इसी के साथ ही ये बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल सरदारों का अपमान कर रहे हैं, पंजाब के सीएम का अपमान कर रहे हैं, पंजाबियत का अपमान कर रहे हैं। इसी के साथ ही जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मेन मुख्यमंत्री हैं पंजाब के और भगवंत मान कहने को है, तो इसी के साथ ही अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में इस वक्त जो हालात है, वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसे ताक पर रख दिया गया है। आए दिन वहां पर हत्याएं देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से वहां पर खालिस्तानी समर्थन में नारे लगते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही वहां पर पिछले दिनों देखा गया कि खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। इसी के साथ ही अगर हत्याओं की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त ताक पर रख दिया गया है। बीच सड़क पर शूटरों के द्वारा फेमस सिंगर की हत्या कर दी जाती है और वहां की सरकार, वहां की पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पाती। इसी के साथ ही आपको बता दें, जब सिंगर मूसेवाला की हत्या की गई थी तो बता दें उससे दो दिन पहले ही पंजाब के सरकार ने उनकी जो सिक्योरिटी है वो घटा दी थी। आपको बता दें, उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी कि उनकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने इस पर कोई खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई और उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, जिसके बाद दो ही दिन बाद उनकी हत्या बीच सड़क पर शूटरों के द्वारा कर दी जाती है। इसी के साथ ही समय समय पर वहां देखा जाता है कि किस तरीके से खालिस्तानियों के द्वारा वहां पर पथराव किया जाता है, खालिस्तानी समर्थन में नारे लगाए जाते हैं, वो बॉर्डर एरिया है। इसके बावजूद केजरीवाल सरकार जो है वहां की लॉ एंड ऑर्डर और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के खासा चिंतित नहीं दिखाई देती। केजरीवाल को बस अपनी सरकार का विस्तार करना था, अपनी पार्टी का विस्तार करना था, इस वजह से उन्होंने पंजाब में लोगों को झांसे दिए, फ्री बिजली का, फ्री पानी का, इसी के साथ ही 1000 रुपए का। और जब वोट मिल गया, सरकार उनकी बन गई, तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ना तो नागरिकों को दी जा रही है और ना ही वहां पे कोई सुरक्षा भी दी जा रही है। इसी के साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां पर देखा गया था कि वहाँ पर सरकार बनी थी, जिसके बाद पूरा जो दायित्व होता है वो एक सीएम का होता है, वहाँ की सरकार को संभालने का, वहाँ के अधिकारियों को संभालने का, लेकिन देखा गया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली बुला करके वहाँ के अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान ही गायब रहते हैं। इसी के साथ ही देखा जा रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल करोड़ों रुपए जो है सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार में लगाते हैं, झूठे विज्ञापन में
लगाते हैं, ये बात भी आरटीआई के द्वारा इस बात का खुलासा हुआ है। आपके इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।